नमस्कार, चंद्रानी क्विजाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे सोयाबीन की सब्जी। तो इस सोयाबीन को मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया है। एक कप सोयाबीन लिया था मैंने। अब इसके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। सोयाबीन का स्मूथ सा पेस्ट बना के ले लिया है मैंने। यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक और इसे अच्छे से फेंट लूँगी हाथों की मदद से, कि जितना अच्छे से फेंटेंगे उतना ही अच्छा बनता है। ये अच्छे से मैंने फेंट लिया है। अब इसमें मैं 2 स्पून मैदे डालूँगी। मिक्स करके फिर साइड में मैंने फ्राई पैन में सरसों का तेल भी डाल दिया है। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब छोटे छोटे इसकी बड़िया बना लूँगी। ये फ्राई हो चुके हैं, इनको निकाल लेती हूँ और सारे बढ़िया वैसे ही फ्राई करके मैं निकाल ले लूँगी। ये सारे बढ़िया मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पे मैंने 2 आलू को छोटे छोटे पीस में काट के रखा था, इसको पहले फ्राई करूँगी। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर। इसको थोड़ी देर फ्राई होने दूँगी। आलू भी हमारा फ्राई हो चुका है, इन्हें भी निकाल लेती हूँ। इसी तेल में मैंने दालचीनी, इलायची और लौंग डाल दिया है और डाल रही हूँ 1/2 स्पून सौंफ और 1/2 स्पून साबुत जीरा। अब मैं इसमें मसाला डालूँगी। 2 स्पून अदरक की पेस्ट, 1 स्पून जीरा पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून कश्मीरी देगी मिर्च, सॉल्ट टू टेस्ट। अब मसाला को अच्छे से पकने दूंगे। 1/4 स्पून हल्दी पाउडर। मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, तेल निकाला आए हैं। अब इसमें डालूंगी ये फ्राई किया हुआ आलू। बिल्कुल थोड़ा सा चीनी डाल रही हूँ। अब इसमें डालूंगी 1 ग्लास पानी। बॉयल आने देती हूँ। इसमें बॉयल आ चुका है, मैं ये सारी बढ़िया डाल देती हूँ। ये रेसिपी हमारा तैयार है। गैस बंद कर दूंगी और प्लेटिंग करके आप लोगों को दिखाती हूँ। लीजिए, तैयार हो गई है हमारी सोयाबीन की सब्जी। और इस रेसिपी को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना। गरम चावल के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है, ये टोटली ऑप्शनल है। इस रेसिपी को ट्राई करके अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।